सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे किया जाता है। सो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे किया जाता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो देखने के बाद अब अपना मोबाइल फोन में फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन करके फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शाम, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल बुम्बा। सो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी अपना मोबाइल फोन में फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे किया जाता है? सो गाइस, जानने के लिए बनी रहे इस वीडियो में, बिना स्किप किए बगैर शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सो फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में। सो अगर आपके पास पहले से फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल है तो अब ओपन करके फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। सो अगर आपके पास पहले से फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं है तो आपको जाना है प्ले स्टोर में। सो आपका मोबाइल पर जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो जैसे आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। फिर आपको ऊपर की ओर सर्च फॉर ऐप्स के अंदर क्लिक कर लेना है। सो सर्च के अंदर फेसबुक मैसेंजर टाइप करने के बाद सो राइट साइड से नीचे की ओर आपको सर्च आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर। सो फेसबुक मैसेंजर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप फेसबुक मैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर। सो यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी। सो इंस्टॉल ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस, आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन इस मोबाइल पे इंस्टॉल हो चुका है। सो फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो जैसे आप फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, एक है लॉगिंग और दूसरा है क्रिएट ए न्यू अकाउंट। सो अगर आपके पास पहले से फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर आप टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं। सो अगर आप फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में नए हैं तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में जो भी आईडी से लॉगिन करना चाहे यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो अगर आप फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे फ़ोन नंबर से अकाउंट क्रिएट किया था तो आपको फ़ोन नंबर टाइप कर लेना है। सो अगर आप फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट किया था तो ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। सो फोन नंबर और ईमेल आईडी की और जो यूजर आईडी से अकाउंट क्रिएट किया था यूजर आईडी टाइप करने के बाद सो नीचे की ओर आप देख सकते हैं पासवर्ड। सो यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप कर लेना है। सो अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो पासवर्ड की और पासवर्ड टाइप करने के बाद सो राइट साइड से आई आइकन के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड देखना चाहे तो सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो फोन नंबर और ईमेल आईडी की और यूजर आईडी टाइप करने के बाद सो पासवर्ड की और पासवर्ड टाइप करने के बाद सो लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सामने इस तरह से लोडिंग हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है। सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव योर इन्फो स्विच टू अकाउंट फास्टर। यहाँ पर आप पासवर्ड सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड सेव नहीं करना चाहे तो नॉट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सामने इस तरह का फेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो फिर आपको यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है।
सो इसी तरह से फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन में लॉगिंग करके फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग को क्या करना है, ये जो वीडियो है इस वीडियो को करना है लाइक। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा वो आप लोग करना है कॉमेंट। अगर इस चैनल पर आप नया हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ साथ साइड पे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लो ताकि इस चैनल पे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मोर इन्फॉर्मेशन मोर सॉल्यूशन बेटर टेक्नोलॉजी।